हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे स्मार्टफोन का कैमरा होता है उसको ऐसे वेबकैम कैसे यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली अपने OBS में, डायरेक्टली बिना किसी लैग के। ठीक है, काफ़ी लोगों का लैग होता है। अगर आपका फ़ोन हाई एंड है तो हो सकता है बिल्कुल भी लैग ना करे, और काफ़ी लो एंड होना तो भाई बिल्कुल ही फिर तो लैग कर सकता भाई। यही बात है, फिर तो लैग करेगा, कर सकता, ट्राई कर लेना फिर भी। ठीक है, चलिए दोस्तों जल्दी से हम चलते अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देख लेते हैं क्या क्या हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। हम आ चुके हैं अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो देखते हैं हमको क्या क्या कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम खोलेंगे क्रोम। मैं सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्टली ओपन कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हमको डाउनलोड करना होगा एंड्रॉइड कैम OBS। सबसे पहले हमको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्टली इसको जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करना होगा हमको। वो भी अगर आपके पास विंडोज़ है तो विंडोज़ पे जाइए, लाइनक्स है लाइनक्स पे, मैक है तो मैक पे। ओके, तो हमारे पास विंडोज़ है तो विंडोज़ पे करें क्लिक। तो हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसको, मेरा इसको हम कर लेंगे इंस्टॉल। ओके, तो हमने अपना OBS बैकग्राउंड में रन हो रहा था उसको कर दिया ऑफ, और अब हमको इसको करना है इंस्टॉल। तो इसको इंस्टॉल करेंगे फटाफट से सी ड्राइव में। तो हो चुका ही अब इंस्टॉल, और अब हमको क्या करना है, कट कर देना है, बस इतना ही काम था। हमारा PC का सारा काम हो चुका है, और अब हमको खोलना है OBS, अपना OBS स्टूडियो, और यहाँ पे जाना है प्लस, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा ड्रॉइड कैम OBS एक प्लगइन यहाँ पर आ चुका है। पहले ये प्लगइन नहीं था, ठीक है, अब आ चुका है। तो ये बेसिकली ड्रॉइड कैम ने OBS के लिए प्लगइन बना रखा है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। कई बंदे अलग से क्लाइंट यूज़ करते हैं OBS वाला सॉफ्टवेयर होता है उसको डाउनलोड करके, लेकिन ये बेस्ट है। सॉफ्टवेयर कोई इंस्टॉल नहीं करना पड़ता आपको, डायरेक्टली प्लगइन होता है, ये लग जाता है आपके OBS में, और ये स्ट्रीम लैब OBS में वर्क नहीं करेगा। पहले बता रहा हूँ, स्ट्रीम लैब OBS में वर्क नहीं करेगा, ये क्लासिक OBS में ही वर्क करेगा। ठीक है, OBS। तो अब हमको क्या करना है दोस्तों, अब हमको चलना अपने फ़ोन की स्क्रीन में। तो हमको अपने फ़ोन में क्या क्या डाउनलोड करना होगा वो हम देख लेते हैं अपने फ़ोन में। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे, और हमको इसमें भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसका नाम है OBS, लिख दो बस, आप OBS लिख दो प्ले स्टोर में जाके, तो ड्रॉइड कैम OBS आ जाएगा। यहाँ से आप इसको डाउनलोड मतलब इंस्टॉल कर लेना अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, ईजीली हो जाएगा इंस्टॉल बिल्कुल ही, जैसे कि मैं कर रहा हूँ वैसे आपको इंस्टॉल कर लेना इसको, और ओपन कर लेना। अलो अलो कर देना इसको, तो हमने कर दिया ओपन, और देख सकते हैं अगर आपका वाईफाई से कनेक्टेड है तो यहाँ पर वाईफाई IP दिखाएगा और पोर्ट दिखाएगा। आप वाईफाई के ज़रिए भी इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप केबल लगा के इसको यूज़ करें, ताकि आपका लैग जो डिले है ना वो कम से कम हो और लैग ना हो। ठीक है, वैसे आप वाईफाई से भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों हमने सारी की सारी सेटिंग्स कर ली अपने PC में एंड अपने फ़ोन में। इसके बाद दोस्तों आपको आना है अपने PC में और अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको जो हमने ड्रॉइड कैम का OBS बनाया था उस पर आपको डबल क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर रेजोल्यूशन दिखाएगा, वीडियो फॉर्मेट दिखाएगा, यहाँ से आप रिफ्रेश डिवाइस लिस्ट भी कर सकते हो। तो हम इसको एक बार आपको दिखाने के लिए हम अपनी IP डाल लेते हैं, वाईफाई से ही आपको ऑन करके दिखाते हैं एक बार कैसे वर्क करता है ये। वाईफाई से यूज़ करने के लिए आपका फ़ोन और आपका PC सेम नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना डाल लेंगे IP 192.168.7, और यहाँ से कर देंगे एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के साथ ही ये थोड़ा सा टाइम लेगा आई थिंक,
पोर्ट ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिए हैं, देख सकते हो, क्योंकि फ़ोन जो है हमारा वो चल चुका है, देख सकते हैं। इसकी क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हो और फ़ोन में भी काफ़ी तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। इधर से आप कैमरा भी देख सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो, फ्रंट एंड बैक कर सकते हो। और यहाँ पे आ रहा है आपका ऑप्शन लाइट का, आ रहा है लाइट भी ऑन कर सकते हो और वाइट बैलेंस भी कर सकते हो और एक्सपोजर लॉक भी कर सकते हो और एक्सपोजर वैल्यू कांस्टेंट रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ऑटो फोकस ऑन कर सकते हो, कंटिन्यूस कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इसमें ऑप्शन यहाँ पर आ गए हैं, तो आप देख सकते हो, आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो और आपको अपने पीसी में यहाँ पर आके इसको कर देना है ओके, और यहाँ पे आके आपको ओके कर देना है। और ये आपका कैमरा यहाँ पर आ चुका है, इसका रिजोल्यूशन भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे रिजोल्यूशन हम चेंज करते हैं, इधर से एक बार डीएक्टिवेट करना पड़ेगा इसको, डीएक्टिवेट करने के साथ यहाँ से बंद हो जाएगा और यहाँ से हम फुल HD कर देते हैं यहाँ से रिजोल्यूशन और एक्टिवेट करते हैं। तो देख सकते हो ये यहाँ पर आपका जो है ड्रॉइड कैम फुल HD में वीडियो ट्रांसफ़र कर रहा है, फुल HD में यहाँ पर वीडियो आ रहा है। यहाँ से ऐसा कुछ यहाँ से दिख जाता है, ये ड्रॉइड कैम लिखा आ रहा है ना, इसको हटाने के लिए आपको बढ़िया वाला वर्जन चाहिए होगा, जिसका नाम मैं नहीं ले सकता अभी। हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।